नमस्कार, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजना। चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। रीवा के त्योंथर में राष्ट्रीय रक्षा जिला निर्माण मंच का शोर मशाल जुलूस से जिला बनाने की मांग को किया बल। स्थानीय लोगों, राजनीतिक नेता, व्यापारी और युवा ने की भारी संख्या में हिस्सेदारी। मध्य प्रदेश में जिलों की घोषणा जारी है और त्योंथर का दावा है कि वह भी जिला बनने की योग्यता रखता है। जानिए इस मशाल जुलूस के पीछे की पूरी कहानी और देखें कैसे लोग सरकार को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। खुशी भी हुई कि आज चौथर जिला निर्माण मंच के द्वारा मशाल जुलूस निकाला गया, शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और चौथर को जिला बनाने की मांग उठाई। चौथर को जिला बनना ही चाहिए, आज नहीं कल बनेगा, जरूर बनेगा। और अगर इस तरह हम जागरण होता रहा, भाव आते रहे कि नहीं हमारा जिला बनाएगा तो क्यों नहीं बनेगा। मऊगंज जिला बना, मैहर जिला बनाने की बात वही रही है, नागराज को जिला बनाने की घोषणा हो गई, और भी जिले बने हैं। हमारी हमारी पार्टी की सरकार ने कई जिले बनाए हैं और चौथर भी इसी क्रम में है। मुख्यमंत्री जी से मैं व्यक्तिगत तौर से बात करूंगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो चौथर के लोगों के मूल मिजाज को समझेंगे, यहाँ के लोगों की मांग को भावना पर तवज्जो देंगे। और मैं आश्वासन तो ऐसा नहीं दे सकता, लेकिन आश्वस्त जरूर कर सकता हूँ कि चौथर वासी हम सब उस दिन का इंतजार करें जब सरकार की तरफ से घोषणा हो कि चौथर को भी सरकार ने जिला बनाया। जागरूकता बहुत आवश्यक है, जागरण होता है, एक लोगों में भावना पैदा होती है, उत्साह पैदा होता है। और आज भी मैंने देखा तो लोगों में उत्साह का वातावरण है, सब लोग चाहते हैं जिला बनाए। हाँ, मैं लोगों से इतनी अपील करूंगा कि इस चौथर जिला निर्माण मंच को राजनीतिक चश्मे से न देखा, एक सामाजिक मंच है, सभी पार्टियों से सभी धर्मों के लोग इससे जुड़े हैं, लोग जुड़े हैं, पत्रकार जुड़े हैं, साहित्यकार जुड़े हैं, समाजसेवी जुड़े हैं। तो आज भी मैंने देखा कि कुछ लोग सरकार की मुखालफत कर रहे हैं, सरकार के बारे में आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। मुझे लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी तो हमारी लोगों की तरफ से पहल शुरू हुई है, अभी इंतजार तो करें। अभी तो हमारी पार्टी शासन तक पहुंच रही है, एकदम तो जिला कल को बन ही जाएगा, परसों को बन ही जाएगा। जिला बनाने की मांग जारी रहनी चाहिए और सरकार संवेदनशील है। हम लोग गंभीरता से बात करेंगे, शिक्षा पुत्र से बात करेंगे, मुख्यमंत्री से बात करेंगे और आज नहीं तो कल चौथर को जिला बनाने की जो मुहिम है वो और तेज होगी। बस यही कि आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चले, लोग अपनी बात शालीनता से, सभ्यता से, विनम्रता से कहें तो ज्यादा अच्छा है। सरकार पर आरोप प्रत्यारोप लगाने से कुछ फायदा होने वाला नहीं है और इससे क्या होगा। हम अपनी मांगने कुछ गए हैं, मांग करने गए हैं या सरकार को धमकी देने गए हैं? सरकार को धमकी देने से कुछ नहीं हासिल होता है। अतीत बताता है कि जो चीजें मिलती है वो अपनी बात गंभीरता से, सलीके से, तरीके से कहकर की मंगवाई जाती है और इस सरकार ने तमाम मांगे मानी है लोगों को। कर्मचारी संगठनों की बात अगर हम करें तो शिक्षक समाज की बात करें तो डॉक्टर की मांगे मानी गई, बहुत सारी लंबित मांगे दो तीन महीनों में जो है पूरी हुई है। हमारे चौथर जिला बनाने की जो मांग है वो भी आज पूरी होगी, मेरी शुभकामनाएं हैं और मैं व्यक्तिगत तौर से भी प्रयास करूंगा कि सरकार हम आप सबके चौथरवासियों की मांग को गंभीरता से सुने और विचार। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहें द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।